हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है। आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम 8 नंबर सलाई ले रहे हैं और वूल को मैंने डबल किया हुआ है। अगर आपके पास पतली वूल है या पुरानी वूल है तो आप इसको डबल करके बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से फंदे हम डाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 20 फंदे मैंने ले लिए हैं। और देखिए, 2 फंदे में हम यहाँ पे इसमें झालर बनाएंगे, तो हम 2 फंदे ऑरेंज कलर से लेंगे, 1 और 2। ये देखिए, तो यहाँ पे टोटल 22 फंदे मेरे पास हैं। आप इसको 32 फंदे का भी बना सकते हैं। 30 फंदे आप ग्रीन ले लीजिए, 2 फंदे ऑरेंज ले लीजिए। आप 42 फंदे का भी बना सकते हैं। 40 फंदे आपको ग्रीन लेने होंगे और 2 फंदे किसी और कलर से जो आपको पसंद हो। तो अब देखिए, हम यहाँ से इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे और फर्स्ट रो में ही हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने ये उल्टा बना दिया, बुल हमारा इधर ही है, इसको हम सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए ऐसे। और देखिए, इसको हम ऐसे यहाँ से क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को आगे लाएंगे। अब हम यहाँ से ग्रीन से बुनेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखिए, 20 फंदे में से 18 फंदे हमने बुन लिए, 2 बिना बुने छोड़ दिए और बुल को इधर किया, सलाई को हम पलट लेंगे यहाँ से। ये देखिए, 1, 2, अब ये 18 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने ये बना लिए। अब देखिए, हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि यहाँ पे कोई होल ना हो। यहाँ से हम ये 3 फंदे उल्टे ही बुन लेंगे, 1 बड़ा हुआ फंदा और 2 हमने डाले थे। देखिए, इस तरह से पलट लेंगे इसको यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे 2 फंदे हम बुनेंगे, बड़ा हुआ फंदा हम इस साइड में ऐड करते जाना है। 2 बुन लिए उल्टे। अब इस पे हमें जाली डालनी है, तो यहाँ से देखिए, बुल हमारी इधर ही है, यहाँ से सीधा बुन देंगे तो ये जाली पड़ गई। अब देखिए, इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको आगे लाएंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे बुने, 2 बिना बुने फिर से छोड़ दिए और बुल को इधर किया, सलाई को हमने पलट लिया। अब यहाँ से हम ऐसे ही बनाएंगे जो जिस कलर से है। ये देखिए, लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे ऐसे। देखिए, ये बना लिया। अब देखिए, हम यहाँ पे इसको ऐसे इधर करेंगे और यहां से देखिए ऐसे, 1, 2, 3 और 4। ये देखिए, 4 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए, यहां से हम 1, 2, 3, ये देखिए जाली वाला फंदा हमने इस साइड में ही ऐड कर लिया और यहां से इस फंदे पे बुल हमारी इधर ही रहेगी अपने साइड और यहां से हम इसे सीधा बुनेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे उंगली से और इसको थोड़ा टाइट करेंगे यहां से।
अब हम इसको आगे लाएंगे ग्रीन को, और यहां से देखिए हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए, और बुन को इधर किया, सलाई को हमने पलट लिया। यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे आप देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे, और यहां से इससे बुने एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमारे पास होगा, एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ये देखिए इधर दो दो फंदे छूट रहे हैं, इधर एक एक फंदा जाली से बढ़ाते हुए जा रही हूँ मैं। यहाँ से हमने इसको बुना एक दो तीन चार, चार बनाने के बाद पांचवें फंदे पे हम जाली डालेंगे सीधा बुनते हुए, और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे देखिए इस तरह से क्रॉस कराना है, इसको आगे लाएंगे, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, और यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाते हुए और इधर दो फंदे छोड़ते हुए, ये देखिए यहाँ पे हमने दो चार छ आठ, आठ फंदे छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से हम ये लास्ट के दो फंदे तक 18 फंदे छोड़ देंगे, दो दो करके हम इन फंदों को भी छोड़ते जाएंगे, दो फंदे रह जाएंगे, बराबर फंदा यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो हम इतना कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 16 फंदे छोड़ दिए दो दो करके, चार फंदे मेरे पास रह गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और देखिए नौ, नौ फंदे मेरे पास ये आ गए हैं। दो से स्टार्ट किया था, आठ बढ़ गए हैं मेरे पास, अब यहाँ पे नौवा फंदा इस रो में बढ़ गया। अब इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, और देखिए यहाँ से एक और दो, दो फंदे हमने ये बना लिए, और देखिए ये आप देख सकते हैं दो दो करके मैंने यहाँ पे ये सभी फंदे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह फंदे छूट गए। अब देखिए हम ये दो फंदे ग्रीन के बनाते हुए यहाँ से पलट लिए, उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे इधर से क्रॉस कराएंगे। देखिए फिनिशिंग के साथ ये बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा बन के कम्प्लीट होता है। ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यहाँ पे देखिए ऑरेंज के मेरे पास 11 फंदे हो गए, और देखिए यहाँ पे ये टोटल 20 फंदे छूट चुके हैं। अब इस रो में हम फंदा घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दो चार छ आठ और एक नौ, नौ फंदे हम घटा देंगे। दो से हमने स्टार्ट किया था झालर, तो ये दो फंदे रहने तक, तो यहाँ से देखिए ये देखिए एक, वापस उस फंदे को लिया, दो तीन, ये देखिए चार पाँच छः सात आठ ये देखिए नौ, इस तरह से यहाँ पे देखिए नौ फंदे मैंने ये क्लोज कर दिए। अब देखिए इस तरह से बुल को हम पीछे कर लेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को आगे लाएंगे, और यहाँ पे देखिए 18 फंदे हमने छोड़े थे, दो फंदे मेरे ये सलाई पे थे, तो अब टोटल ये 20 फंदे हमारे पास हैं, तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ से इस बुल को हमने इधर कर लिया, अब यहाँ से देखिए ये दो तीन चार पाँच छ सात
आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये देखिए, जो हमने दो दो करके छोड़े थे 20 फंदे, वो हमने सभी बुन लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारी एक कली बनके कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कली बनाने के लिए हम देखिए, कली जो है यहाँ वाली हम ऑरेंज कलर की करेंगे और बॉर्डर का कलर ग्रीन करेंगे। तो हम देखिए यहाँ से पलट लेंगे। अब हम इस बुल को यहाँ से इतना लंबा ऐसे रखेंगे, आप कट करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको ये देखना है, टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से हम एक, दो, इसको हम साथ में ले आएंगे, तीन, और देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि ये बैक साइड से लंबा धागा ना दिखे। पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दो गोले भी लगा सकती हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में अलग से। ये देखिए, ऐसे आप कर देंगे, फिर ये बैक साइड में धागे छोटे हो जाएंगे। ऐसे देखिए, इसको किया, ऐसे बना दिया। अब इसको हम ऐसे, ये देखिए, एक बार और हम इसको कर देंगे धागे को। अब देखिए, हमने ये 20 फंदे जो ग्रीन वाले थे उनको हमने ऑरेंज से बना लिया। अब ये दो फंदे जो हैं इनको हम ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये ग्रीन कलर की हमारी ये झालर हो जाएगी, यहाँ पे कली ऑरेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, इधर दो फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बुना, बुल हमारी इधर ही है, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब इसको हम क्रॉस करा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम ऑरेंज से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह फंदे हमने बुने। अब देखिए, हम फर्स्ट रो को रिपीट कर रहे हैं, ये हर कली फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। अब यहाँ पे जो जैसे कलर का है उसी कलर से हम इसको बुनेंगे। लास्ट के फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इजी डोरमेट है और देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, डिजाइनर बनके कंप्लीट होता है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने फंदे बुन लिए ऑरेंज वाले। अब देखिए, यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन से बनाएंगे, एक, दो और तीन। तीन फंदे हमने बनाने के बाद इसको यहीं से पलट लिया। अब यहाँ से देखिए, एक, दो, दो बनाए। अब इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे, इसको हम क्रॉस कराएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब यहां से हम इसको उल्टा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये फिर से दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट लिया। अब यहां से पूरी रो हम उल्टा बना लेंगे, जो जैसे कलर से बना हुआ है वैसे ही हम बुनते हुए जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से। अब इसको हम, ये देखिए, ऐसे क्रॉस कराएंगे। इसको देखिए नीचे से, इसके ऊपर से छोड़ दिया इसको, यहां से ऐसे, एक, दो, तीन और चार, यहीं से पलट लेंगे। अब यहां से देखिए, एक, दो, तीन, बड़ा हुआ फंदा हम इधर ही ऐड करते जा रहे हैं। अब इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करा के, और देखिए, दो, तीन, चार,
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, दो बिना बुने फिर से छोड़ दिए और यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते हुए इधर दो फंदे छोड़ते हुए हम यहाँ पे लास्ट के ये चार फंदे ऑरेंज रह जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट के ये चार फंदे रहने तक हमने ये फंदे छोड़ दिए। यहाँ पे फंदा हम बराबर बढ़ाते हुए गए हैं तो यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, नौ फंदे यहाँ पे हो गए। अब हम इसको सीधा बुन लेंगे, ये दस, इसको वैसे क्रॉस करा देंगे तो यहाँ से हम ये देखिए दो फंदे हम ये ऑरेंज बुनेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फिर से अठारह फंदे छोड़ दिए, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह और दो अठारह, दो फंदे मेरे सिलाई पे हैं। अब यहीं से हम वापस इसको पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे दूसरी कली भी कंप्लीट हो गई है। ऐसे इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से एक, दो, ये देखिए यहाँ से हम ग्रीन फंदे बुन लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ फंदे बढ़ गए हैं और देखिए ये अठारह फंदे छूट गए, दो ये सिलाई पर रह जाते हैं। तो अब हम यहाँ से जो बड़े फंदे हैं उनको हम घटा देंगे तो ये ऑरेंज वाली कली भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, ये देखिए अब हम भूल को पीछे कर देंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए वापस हमारे पास फिर से दो फंदे ये रह गए हैं ग्रीन के। तो अब हम यहाँ से देखिए इसको ऐसे क्रॉस करा के और पूरी रो ऑरेंज कलर से बना लेंगे। ये देखिए जो हमने दो दो फंदे छोड़े थे उनको भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब मेरे पास फिर से 20 फंदे ये ऑरेंज के और दो फंदे ग्रीन के ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमने लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए इसी को रिपीट करते हुए अब हम उल्टे तरफ से ये ग्रीन कलर जो है उसको हम यहाँ लाएंगे और ऑरेंज कलर यहाँ पे झालर में ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।